हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कुक डेली में आपका स्वागत है। आज हम शेयर करने जा रही हूँ बहुत स्वादिष्ट झटपट बन जाने वाली मिठाई की रेसिपी। बिना गैस जलाए हुए आप 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए ना तो हमें घी चाहिए, ना मावा, ना चाशनी, ना हमें दूध चाहिए। बनाने में बहुत आसान है, इसमें मावा वाली टेस्ट आती है, एकदम सॉफ्ट बनी है, खाने बहुत टेस्टिंग लगती है। तो हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी के हम शुरू करते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए हम सबसे पहले चीनी ले लिए हैं। तो चीनी हमें एक आपके घर में कटोरा हो, चाहे आपको घर में कप हो, तो किसी से आप मेजरमेंट कर लीजिए। तो इस कटोरे से हम आज इस सारा चीज़ हम मेजरमेंट करेंगे ताकि आपका मिठाई बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आधा बाउल हम चीनी ले लिए हैं। अब इधर हम मिक्सी जार ले लिए हैं, अब इसी में हम डाल देंगे और डालकर एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे चीनी के। तो चीनी का हम अच्छे से हम पाउडर हम बना लिए हैं। तब अच्छे से हम चीनी के पाउडर के हम छान लेंगे। अब इसे चीनी के पाउडर के, तो हम चीनी के हम चाशनी तो ना बना रहे हैं, चीनी के चाशनी बनाते तो अच्छे से मेल्ट हो जाता, तो पाउडर बनाए तो थोड़ा बहुत इसमें टुकड़ा रह जाता है। तो आपको छान के लेना है चीनी के पाउडर, तो हम छान लेंगे। अब कितना आप फाइन बना लेंगे पाउडर, फिर भी थोड़ा बहुत इसमें टुकड़ा चीनी के रह ही जाता है। अच्छे से हम छान लिए हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत चीनी के टुकड़ा रह गया है, तो इसे हम हटा लेंगे। अब उसी बाउल से हम नाप के आधा बाउल हम मलाई ले लिए हैं, दूध के जो ऊपर परत जम जाती है मलाई के, दूध वाली मलाई। अब चीनी के पाउडर के अंदर हम डाल देंगे। तो आपको 2 से 3 दिन के आपको मलाई फ्रेश लेना है मलाई, तो हम फ्रेश मलाई लिए हैं। तो आपको खट्टी मलाई आपको नहीं लेना है, खट्टी आप मलाई लेंगे तो आपको मिठाई उतना अच्छा नहीं बनेगी। आप एकदम ताज़ा मलाई आप लीजिएगा, तो ये घर के मलाई है, एकदम ताज़ा मलाई फ्रेश लिए हैं। तो अच्छे से हम चीनी के अंदर हम मिक्स कर लेंगे, एकदम क्रीमी हम टेक्स्चर बना लेंगे मलाई के। तो 3 मिनट अच्छे से हम फेंट लिए हैं मलाई अच्छे से, और पाउडर चीनी के हम अच्छे से फेंट के एकदम क्रीमी में टेक्सचर आ गया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आधा कप नारियल के बुरादा। अब डालकर हम मिक्स कर देंगे। अब नारियल के बुरादा की जगह आप, तो नारियल के बुरादा की जगह आपको क्या डालना है अभी इसी वीडियो में आपको हम बताएँगे। तो वीडियो पर आप एंड तक ले आप बने रहिए। तो हम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हम नारियल का बुरादा हम मिक्स कर लिए हैं। तो नारियल का बुरादा आप डाल के बना रहे हैं, बहुत अच्छा मिठाई में टेस्ट आता है। इधर हम साइड में रखते हैं। तो इधर हम ले लिए हैं मुरमुरा, ये ऐसी दुकान में आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी है मुरमुरा। तो इसी मुरमुरे से आज हम मिठाई बनाने वाले हैं। तो इधर उसी कटोरे से हम नाप कर ले लेंगे, मेजरमेंट करके ले लेंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट थोड़ा डाल देंगे। तो हम काजू ले लिए हैं। तो आप नारियल का बुरादा की जगह अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट आधा कटोरी आप डालकर पीस के पाउडर बना लीजिए। अब फिर नारियल का बुरादा की जगह पाउडर डाल दीजिए ड्राई फ्रूट के। तब इसी में हम थोड़ा क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए हम ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, ताकि एकदम क्रीमी टेक्सचर इसमें मावा वाली इसमें टेस्ट आएगी। तब मुरमुरा की जगह आप भुना हुआ आप चना भी ले सकते हैं। तो मुरमुरा से आप बना रहे हैं तो इसमें मावा वाली टेस्ट आएगा, आप चना भुना हुआ चना से बना रहे हैं तो उसमें बर्फ़ी वाली, बेसन के बर्फ़ी वाली उसमें टेस्ट आएगा। तो मिक्सी जार में हम डाल देंगे। अब इधर फिर से हम 2 कटोरा हम मुरमुरा लेंगे और साथ में हम ड्राई फ्रूट डाले हैं, और इसमें भुना हुआ हम तिल डाल देंगे। तो ज़्यादा हम रोस्ट नहीं किए हैं तिल, हल्का सा नहीं हम रोस्ट किए, इसके कच्चापन निकलने भर हम रोस्ट कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम नाप के 2 मुरमुरा और तिल ले लेंगे 2 कटोरा। तब इसी के अंदर हम मिक्सी जार के अंदर हम डाल देंगे, अच्छे से हम पाउडर बना लेंगे। तो अच्छे से हम पीस लिए हैं और पाउडर बना लिए हैं। अब पाउडर के हमें छान लेना है, तो छान के आप पीस लिए तो आप छान लीजिएगा, थोड़ा बहुत मोटा टुकड़ा होगा से निकल जाएगी। छोटा छोटा ही टुकड़ा बच गया है, पार्टी बच गया है, तो फिर मिक्सी जार में हम डाल देंगे और डालकर फिर से हम पाउडर बना लेंगे। तो अच्छे से हम छान लिए हैं। अब इसी में हम टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डाल देंगे दरदरा कूटा हुआ इलायची के पाउडर। तब फ्रेश आप कूट कर डालेंगे, बहुत अच्छा इसमें मिठाई के अंदर टेस्ट आएगा।
अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 2 छोटी चम्मच मिल्क पाउडर। इससे एकदम मावा वाली इसमें टेस्ट आएगा। अब अच्छे से हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हम एकदम मुलायम डो हम लगा लेंगे। तो डो के अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं तो एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो आपको ड्राई हो जा रहा है तो थोड़ा सा आप दूध डाल लीजिए, चाहे आपको दूध के मलाई है तो मलाई थोड़ा सा डाल के आप मिक्स कर लीजिए ताकि एकदम डो एकदम आपको सॉफ्ट हो जाएगी। तो एकदम सॉफ्ट हम डो लगा के हम तैयार कर लिए हैं। अब इधर हम ले लेंगे अब इसी में टिफिन में हम जमाएंगे आज हम मिठाई। तो आपके पास मोल्ड हो तो उस मिठाई वाली मोल्ड में आप जमा सकते हैं। तो इधर हम लंच बॉक्स के हम अच्छे से हम घी लगा के हम ग्रीस कर लेंगे। तो आप चाहे तवे से भी आप ग्रीस कर सकते हैं ताकि आपको मिठाई निकालने में बहुत आसानी से आपको निकल जाएगी। तो अच्छे से हम घी हम ग्रीस कर लिए हैं। अब इसी के अंदर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब इसी के अंदर हम मिठाई वाला हम मिक्सर हम डाल देंगे। तो अच्छे से हम फैला देंगे और फैला के हम एकदम चिकना कर लेंगे। आप चाहे तो पेचुला से आप चिकना कर लीजिए, चाहे हाथों से कर लीजिए, चाहे चम्मच से, चम्मच की सहायता से आप अच्छे से आप चिकना कर लीजिए। तो ये आसानी से एकदम चिकनाई मिक्सर हो जाएगी मिठाई के। तो अच्छे से दबाते हुए हम चिकना कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं अब इसे हम मिठाई के हम 10 मिनट रेस्ट में छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हम फ्रिज में डाल देंगे। आप चाहे तो रूम टेम्परेचर पर भी आप मिठाई के छोड़ सकते हैं, अच्छे से सेट हो जाएगी। तो हम 10 मिनट के बाद हम आप लोग के दिखाते हैं। तो 10 मिनट हो गया है, फ्रिज से हम निकाल लिए हैं, अच्छे से मिठाई सेट हो गया है। अब साइड साइड से हम चाकू से हम छुरा लेंगे ताकि आसानी से आपको मिठाई निकल जाएगी। तो हम आसानी से तो नाइफ की सहायता से हम साइड साइड से हम छुरा लिए हैं। अब मिठाई की हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो ये आसानी से मिठाई ये डीमोल्ड आपको हो जाएगी। टैप कर लीजिएगा हाथों से, आसानी से मिठाई निकल जाती है। तो मिठाई निकल गई है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर देखने में लग रहा है मिठाई। कोई कह सकता है कि मुरमुरे से हम 2 कप मुरमुरे से इतना सुंदर मिठाई बना के हम तैयार किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट बना है, काटने से पता चल जा रहा है कितना सॉफ्ट बना है मिठाई। तो बिल्कुल इसमें मावा वाली इसमें टेस्ट आएगी। हम कट करके आपको दिखा रहे हैं, एकदम सॉफ्ट बना है मिठाई, बहुत ज़्यादा ही टेस्टिंग लगता है मिठाई। तो बिना गैस जलाए हुए आप 10 मिनट के अंदर में इस मिठाई को आप बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान है इस मिठाई को बनाना, खाने बहुत ज़्यादा लाजवाब लगता है। अब चलिए हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं मिठाई। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप लाइक और शेयर कीजिएगा, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमें ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय।